पहले उधर रोडवेज की तरफ खड़ी होती थी, अब सारे व्यापारी परेशान है, किसी का कोई भी रोजगार चलने को तैयार नहीं है। जो गाड़ी अंदर फंस गई वो बाहर नहीं निकलती शाम तक, जो अंदर ले जानी वो नहीं जाती। सब व्यापारी परेशान है, दुखी हैं। दुखी होने के बाद इन्होंने रास्ता बनाया कि किसी तरह हमें यहाँ से मुक्ति मिले, इन बसों से मुक्ति मिले। जब से बसें खड़ी हो रही है सब आदमी परेशान है, सब आदमी अपना रोजगार छोड़ छोड़ के यहाँ खड़े। करीब कितने दिनों से खड़ी हो ये? 3-4 महीने से तो बिल्कुल लगातार खड़ी हो रही, इस तरीके से खड़ी हो जाती है जैसे बस अड्डा है ही हो। हालांकि बस अड्डा यहाँ से काफ़ी दूरी पे, वहाँ पे क्यों नहीं खड़ी करते हैं बस अड्डे वाले? पहले बस अड्डे पे खड़ी होती थी, ये कारण तो मालूम नहीं है किसने खड़ी करवाई। प्रशासन बतावेगा इस बात को, या आप मीडिया वाले भाई बताएंगे किस कारण? हमारी दुकान ने तो परेशान है सारे व्यापारी। हम ये चाहते हैं यहाँ से रोडवेज, इस जगह से रोडवेज तिराए से साईधाम मंदिर तक, यानी कि इसकी चपेट में मंदिर भी आ जाता है। जो आदमी मंदिर पर आता है उसे कहीं भी वाहन लगाने की जगह नहीं मिल पाती किसी भी कारण, बस की वजह से। बस ये हमारी दुकान के आगे से हटाई जावे, तिराए से लेकर साई धाम तक न लगाई जावे, इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं है, यहीं पे ही दुकानदार हैं। भैया ये सब यहाँ जो भी है सब मिस्त्री हैं, कार ठीक करने वाले, सब गरीब आदमियों का रोजगार है, सारा रोजगार 2 महीने से ठप है। दुकानों के आगे गाड़ी लगा देते हैं, ये प्रशासन की बहुत बड़ी नालायकी है। ये नहीं देख रहे गरीब आदमी कैसे रोजगार अपना करेगा, कैसे रोटी खाएगा। आवे सुबह ही गाड़ी लगा दें, कैसे इनकी कार बाहर निकलेंगी, कैसे कार अंदर जाएंगी। यहाँ कार वालों ने आना बंद कर दिया, बिल्कुल रोजगार का ठप पड़ा 2 महीने से, बिल्कुल भुखमरी की कगार पे हैं। तो बहरहाल प्रशासन से हमारी तहे दिल से ये अपील है कि इन गाड़ियों को, रोडवेज गाड़ियों को अपने रोडवेज अड्डे पे लगावें, हमारी दुकानों के आगे ना लगावें। हमारे बस स्टेशन पे जगह कम होने की वजह से जिला प्रशासन से अनुमति लेकर ही वहाँ पे खड़ी की जा रही हैं, और जिला प्रशासन द्वारा पुलिस कर्मचारी भी लगाए गए हैं, और गाड़ियों को जो है वहाँ पे जाम की स्थिति ना हो ऐसी व्यवस्था उन्होंने कर रखी है। ये तो कई सालों से लग रही है, 3-4 महीने थोड़ी लग रही है, ये तो सालों से लग रही है, आज से थोड़ी लग रही, आज से नहीं लग रही, कई साल से लग रही है। नेक द्वारा A++ सर्टिफाइड वर्ल्ड क्लास एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन श्रीराम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, एडमिशन के लिए संपर्क करें